दिव्यानी के हाव भाव कुछ बदले से लग रहे हैं। दरअसल श्रद्धा अभय को फोन करके फौरन घर बुलाती है, क्योंकि यहाँ पर उसके माँ की तबीयत खराब है। पर यह सब दिव्यानी को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो अभय को रोकने की प्लानिंग करती है गौरी के साथ मिलकर। कहा तो मैं मम्मी जी के साथ में हूँ। आखिर तुमने अपनी मनमानी शुरू कर ही दी, चली गई ना वहां और इस घर का सारा काम गौरी के सर पे डाल गया। उसके हाथ में चोट है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? अरे बस कीजिए, यहाँ पर मम्मी की तबीयत खराब है, वो बेचारी खाना नहीं खा रही, कुछ नहीं कर रही, उनकी हालत बहुत खराब है। और आपको पड़ी है वहाँ की, ये सब चिंता की बात है कि आप वहाँ पे जाके ये सब काम कर रहा हूँ मैं आके, और जो ये सब कर रहे हैं सब गलत है। अरे पानी तक की एक बूंद तक नहीं पी, उन्होंने खाना नहीं खाया, उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब, बहुत नाजुक हो गई हालत। मैं आ रहा हूँ वहाँ पर, कुछ नहीं होगा मम्मी। जहाँ वो गौरी को इशारा करती है और गौरी फौरन भागकर अंदर जाती है, और अभय जैसे ही तनुजा के पास जाने वाला होता है वैसे ही अंदर से गौरी जोर की आवाज़ निकालती है, जिससे अभय फौरन घबरा के उनके पास चले जाते हैं। आवाज वल कहीं ना कहीं यहाँ पर दिव्यानी अभय और तनुजा को दूर करना चाहती हैं, और उनका इरादा भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो अब देखना ये होगा कि कैसे अभय को सारी सच्चाई पता चलेगी, और इसके बाद क्या वो दिव्यानी के साथ रहेंगे या फिर अपनी माँ तनुजा के पास वापस चले जाएंगे। वैसे इस सब पर आपका क्या है कहना हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, एंड इसी तरह की और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल जस्ट शोबिज़ को।